हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमराम। गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीए की तरफ से, ऑल इंडिया वाइंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से कौन कौन से मुद्दों पर बात की गई है। तो चलिए बात करते हैं 8 मार्च 2024 को, यानी कि कौन कौन से मुद्दों पर आपका 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। पहला है यूएफयू सर्कुलर, यानी कि अनदर राउंड ऑफ बाईपार्टाइट डिस्कशन टुक प्लेस बिटवीन अवर यूनियंस एंड आईबीएंस ऑन 28/2/2023 इन मुंबई। यानी 28 फरवरी की जो मीटिंग हुई थी उसमें ड्यूरिंग दिस मीटिंग द फॉलोइंग इशूज वर डिस्कस्ड, यानी कौन कौन से मुद्दे डिस्कस किए गए थे। पहला था 5-डे वर्क वीक, यानी मुंबई मेंबर्स वुड रिकॉल दैट इन द लास्ट राउंड मीटिंग आईबीए प्रपोज दैट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ 5-डे वर्किंग द डेली वर्किंग आवर्स कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन आवर्स हैव टू बी इंक्रीज बाई 45 मिनट्स पर डे अगेंस्ट अवर प्रपोजल फॉर 30 मिनट्स पर डे। आफ्टर ए लॉट ऑफ डिस्कशन इट हैज इमर्ज दैट द टोटल वर्किंग आवर्स कैन बी इंक्रीज बाई 40 मिनट्स पर डे विद कैश ट्रांजेक्शन फ्रॉम 10 AM to 4 PM एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन अप टू 4:30 PM। आई वी वुड टेक अप द मैटर विद हायर अथॉरिटीज एंड कंसर्न स्टेक होल्डर्स टू टेक द इशू फर्दर फॉरवर्ड। नेक्स्ट है अपडेशन ऑफ पेंशन। फ्रॉम अवर साइड वी हैव सबमिटेड अवर डिमांड दैट द पेंशन ऑफ ऑल रिटायरीज अप टू अक्टूबर 2017 शुड बी अपडेटेड एंड इम्प्रूवड अपॉन द पार्टिकुलर रिफरेंस टू प्री नवंबर 2002। रिटायरीज हु आर कंपेरेटिवली गेटिंग लेजर क्वांटम ऑफ पेंशन वी सजेस्ट दैट द कैश ऑफ सच इंक्रीज इन पेंशन शुड बी कैलकुलेटेड फॉर ईच सेटलमेंट पीरियड फ्रॉम 1/1/1986 to 31 अक्टूबर 2017 सो दैट द इशू कुड बी फर्दर डिस्कस्ड एंड नेगोशिएटेड विद व्यू टू कवर एज मैनी सेटलमेंट पीरियड एज पॉसिबल एंड विद रोड मैप टू कवर ऑल पेंशनर्स अप टू 31 अक्टूबर 2017। आई वी एग्री टू प्रोवाइड द नेसेसरी डिटेल्स एट द अर्लीस्ट सो दैट डिस्कशन कैन बी टेकन फॉरवर्ड। एक तो अपडेशन का मुद्दा, पेंशन अपडेशन का मुद्दा है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफिसर्स फ्रॉम NPS टू OPS, यानी कि जो NPS उनकी पेंशन है या न्यू पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट किया जाए। टू अवर डिमांड फॉर कवरिंग ऑल दी पोस्ट 1 अप्रैल 2010 एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम इंस्टीड ऑफ द ओल्ड प्रेजेंट न्यू पेंशन स्कीम IBA informed दैट सिंस द इश्यू इन्वॉल्व्ड चेंज इन द सेटलमेंट द इशू कुड बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग दी नेगोशिएशन फॉर द नेक्स्ट वेज रिविजन। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ नेगोशिएशन ऑन चार्टर ऑफ डिमांड्स बी रेट, इसमें है डिमांड दैट ऑन द चार्टर ऑफ डिमांड सबमिटेड बाई द यूनियंस फॉर रिविजन ऑफ वेज एंड सर्विस कंडीशन फॉर एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स द IBA शुड कमेंस द फॉर्मल नेगोशिएशन सो दैट द सेटलमेंट कुड बी अराइव्ड विदाउट मच डिले। IBA informed that the demands submitted by the unions have been forwarded to the banks and seeking their mandates to forward. गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।